हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से क्लास स्वागत है। आज मैं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर लेकर आ गया हूँ 2020 का। इसी प्रकार से 2021 में भी यही पेपर लगभग आता, कुछ ना कुछ समथिंग मिलता रहता है। 2021 में यानी कि आपका पेपर कुछ इसी प्रकार से आएगा, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है इसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। और मैं क्लास 12th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ। यदि चैनल पर फर्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, मैं क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप क्लियर कर लो, ये 100 नंबर का आता है, 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहता है। 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए रहता है, 3 घंटा क्वेश्चन को लिखने के लिए रहता है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। देखिए इसमें लिखा है नोट में, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट, यानी कि छात्र जो है टू रीड द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट रहता है, ये दिया गया है। अब इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, इसमें दो सेक्शन बने हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो दिए गए हैं और दोनों कंपलसरी हैं। क्लियर हुआ बात। अब दूसरा क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है द 3 पार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 11 जब देखेंगे उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और करना क्या है, सभी में ग्रह में से जो है उसमें एक एक अटेम्प्ट करना है, केवल 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, केवल एक पार्ट करना है। 3 पार्ट दिए रहेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, आप सब लास्ट तक बने रहें। तीसरा क्या है, ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपलसरी, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। चलिए इसके आगे देखिए। अब देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए में 2 दिए हैं, तो दोनों में से एक ही करना है दिए गए। एक्सप्लेन द रेफरेंसेस, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है और फॉलोइंग पैसेज लिखना है, यानी कि व्याख्या उख्या लिखना है। तो 8 नंबर मिलेंगे, तो 2 दिए हैं, देख लीजिए 2 में जो आपको आता रहेगा वही आप सब करिएगा और आप एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, 8 नंबर लेकर आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि आपको 30 शब्दों में लिख के आना है। ये क्वेश्चन 2 दिया गया, देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर आपको मिलने हैं, 1 क्वेश्चन 30 शब्द में लिखना है, 1 क्वेश्चन 30 शब्द में लिखना है, 4 नंबर के आएंगे। क्लियर हुआ ना, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपको अच्छे से आते रहेगा वही करिएगा, 2 क्वेश्चन मत करके आ जाना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिल करना, जैसे जो 4 दिया गया है 4 में 1 ही फिल इसमें करना है, ठीक। इसी प्रकार से बी वाला भी, और सभी करेंगे तो 4 नंबर इसमें मिलेंगे, एक एक करना पड़ेगा, एक एक नंबर क्या है देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75, 75 शब्दों में लिखना है, 8 नंबर का पर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 1 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 क्वेश्चन करने हैं, 75 शब्दों में लिखना है। फिर से सुनो, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो आपको आता है वही करना, 8 नंबर आपको मिलेगा और 75 शब्दों में करना है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कि यह दिया गया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 शब्दों में लिखना है, 2 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन करना है और 30 शब्दों में, ठीक। अब देखिए सी है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 8 नंबर आपको मिलेगा। छठा क्वेश्चन अब देखेंगे, छठा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है और पैसेज लिखना है, तो 8 नंबर मिलेंगे, 2 दिए हैं देख लीजिएगा, और 2 में आपको क्या करना है, 1 करना पड़ेगा, जिसका एक्सप्लेन लिखना है, रेफरेंसेज लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है, पैसेज लिखना है, ये सब लिखेंगे तो 8 नंबर मिलेगा, जो आपको अच्छी तरह से आता रहेगा वही आप सब करिएगा। क्लियर हो रहा है बात ना। अब आगे देखिए सातवां क्या है, गिव द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार कर लेना, सेंट्रल आइडिया दिए हैं देखिए, 3 में से जो आपको याद है वही लिखिएगा और 6 नंबर आपको मिलेगा बहुत आसानी से। देखिए आठवां क्या है, राइट द डिफिनेशन, जैसे कि मैं बता दिया हूँ सिमिलरली का, तो राइट इसका क्या लिखना है, फिगर आप स्पीच लिखना है, लिख लीजिएगा, 4 नंबर मिलेगा, 1 तो आपको परिभाषा यानी कि डिफिनेशन और एग्जाम्पल, डिफिनेशन और एग्जाम्पल 2 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए सेक्शन बी, सेक्शन ए पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, यदि सेक्शन ए पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते तो आपको बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं।
क्लियर बात हो रहा है ना। चलिए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है इसमें दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। जो दिए गए हैं इसमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, अब इसमें पहला दूसरा देख लीजिए, मैं अगर पूरा पढ़ के बताऊंगा तो जान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बी वाला देख लीजिए थोड़ा जल्दी से। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना क्या है। पहला है सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन दो दिए रहेंगे, दो में से एक ही करना है, ध्यान में रखना है इसी बात का। ठीक, इसलिए मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ के पहले बता दिया था, पढ़ूंगा बार बार। चलिए एक और सी वाला पढ़ देता हूँ। देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो दो दिए हैं एक करना है और आपको दो नंबर मिलेंगे। चाहे तो पहला वाला चेंज करिए पैसिव वॉइस में और चाहे दूसरा चेंज करिए सुपर क्या है सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर हुआ ना। अब डी वाला भी इसी प्रकार से, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे डी वाले में, आपको एक एक नंबर के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का ए यानी कि 10वें का ए, अब देख लीजिए क्या है, पढ़ लीजिए। यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। आपको तीन करने हैं, पांच दिए रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। बी वाला देखिए, राइट एंटोनेंस फॉलोइंग वर्ड, तीन करने हैं एक एक नंबर के। ऐसे सी वाला सेम है। अब डी वाला देख लीजिए, अब आगे देखिए, डी में दो पार्ट है, तीन पार्ट है, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ई वाला देख लीजिए। यूज दी फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, देख लीजिए अच्छे से। अब इसमें पार्ट वन देखिए, 11 में पार्ट वन, जिसे कि मैं स्टार्टिंग में बता दिया गया था, कई पार्ट है। पार्ट वन देख लीजिए, देखिए 10 नंबर का आता है ना, हर साल पूछता है और अधिकतम बच्चे नहीं कर पाते, अधिकतम स्टूडेंट, अधिकतम भाई नहीं कर पाते हैं इसको, और बढ़ाए दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लास्ट में बताऊँगा यदि आप सब पर डिमांड रहेगा तो, क्योंकि मैं डिमांड जो ज़्यादा रहा तो वही मैं करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए इसमें या तो वो करना है या तो जो ये पार्ट टू दिया है, चाहे तो इसको आप ये वाला यहाँ तक ये सब करना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, ये सब करोगे अगर सेंटेंस ना करो तो ये सब करना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ तक चाहे इसको देखिए, चाहे अनुवाद वाला करिए यानी कि जो इंग्लिश में बदलना है, चाहे ये वाला करिए जो आपको मैं भी दिखाया, या तो पार्ट थ्री वाला देखिए, यहाँ तक ये वाला कीजिए। ठीक, ये 6 नंबर मिलेगा, 4 नंबर इसका, यानी कि जो तीन पार्ट हैं ध्यान में रखिए, तीन पार्ट में आपको क्या करना है, एक पार्ट करना है चाहे जो करो। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि 200 शब्दों में क्या लिखना है, एसे लिखना है। 12 नंबर मिलेगा बहुत आसानी के साथ, मैं बताया हूँ कैसे करना है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए और लिख लीजिए मन करे तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को स्किप कीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन, बस दी एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ ये जरूर बता दीजिए कि कितना आप सबको आता है, इसमें कितना नंबर कर ले जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।